हरे कृष्णा। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग विद डिवोटी। सो गाइस, आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ मेरे गार्डन में अभी कौन कौन से प्लांट्स हैं, विंटर फ्लावर्स, और उनमें क्या क्या उनमें फ्लावरिंग हुई है। सो गाइस, ये देखिए, कुछ इस तरह से मैंने डायंथस, गुलदाउदी और गेल के प्लांट्स को यहाँ पर अरेंज किया हुआ है। यहाँ मेरे कुछ साल्विया के प्लांट्स और कुछ टॉप फ्लावर के प्लांट्स, इनमें अभी बड्स आ रही हैं बहुत सारी, और कुछ ही दिनों में ये ब्लूम करने वाले हैं। गाइस, ये कुछ पिटूनिया के फ्लावर्स हैं जिन्हें मैंने नर्सरी से लाया था और इन्हें लगाया है मैंने इन क्यूट बास्केट प्लांटर्स के अंदर। जी गाइस, कुछ इस तरह से ही है। ये देखिए गाइस, ये कुछ मैरीगोल्ड के प्लांट्स हैं। ये देखिए, इसे मैंने कुछ इस तरह से इस पॉट में लगाया है। और ये मेरे कुछ पेंजी पिटूनिया जो मैंने इस ट्रे में लगाए हैं। और गाइस, ये है मेरे डायंथस के फ्लावर्स जो मैंने इन पॉट्स में लगाए हैं। ये देखिए कितने सुंदर फ्लावर्स हैं। ये विंटर का एक बहुत ही सुंदर प्लांट है जिसे आप भी अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं गाइस। सो गाइस, ये देखिए, इस तरह से मैंने कुछ ग्रो बैग बना रखे हैं और उसी में ही मैं कोई भी नया प्लांट है या छोटी प्लांट्स जो मैं लाती हूँ, बेबी प्लांट्स को, उन्हें इस तरह से इन ग्रो बैग्स में लगा देती हूँ। इस तरह से मैंने यहाँ पर कुछ मैरीगोल्ड लगाए हुए हैं। और गाइस, ये देखिए कुछ सीड्स हैं यहाँ पर, ये कुछ साल्विया के सीड्स हैं जो मैंने लगाए थे और ये ग्रो हो गए हैं। गाइज, ये मेरे सारे स्पाइडर प्लांट की कलेक्शन है। सो गाइज, ये कुछ कोरियस प्लांट्स हैं। ये बहुत ही सुंदर प्लांट होते हैं और इनके कलर्स अपने आप में ही एक बहुत ही खूबसूरत है। देखिए कितना सुंदर प्लांट है ये, और सबसे इजी टू ग्रो प्लांट है। इसकी छोटी से छोटी कटिंग भी आप ग्रो कर सकते हैं। आप अपने कहीं नेबर से या किसी नर्सरी से, कहीं से भी, किसी पार्क से आप छोटी से छोटी कटिंग लाकर इसे लगा सकते हैं अपने गार्डन में और उसे ऐड ऑन कर सकते हैं कुछ ब्यूटीफुल से कलर्स। ये देखिए गाइस, कितना सुंदर कलर है ये, और ये भी एक बहुत ही प्यारा कलर है। सो गाइस, इस तरह से मैंने कुछ अपने कोलियस को लगाया हुआ है इस तरह के कुछ बैग्स में, कुछ शुगर के बैग्स जो खाली हो जाते हैं, और इसी तरह से मैंने लगाया हुआ है इन्हें अपने गार्डन में। सो गाइज, ये था अभी का मेरा विंटर गार्डन का व्यू, और मैं बाद में आपके साथ इसका लेटेस्ट अपडेट शेयर करती रहूँगी। ओके गाइज, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।